सिंगरौली में एक युवक की ट्रेन से टकराने के कारण मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में था, जिसकी वजह से वह ट्रेन से टकरा गया। हालांकि मृतक के परिवार ने इसे हत्या बताया है। सराय रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरी पर कविराज पठारी नामक युवक की ट्रेन से टकराने से मौत हो गई। युवक शाम से ही घर से लापता बताया जा रहा था। मृतक के परिवार का कहना है कि युवक की मृत्यु सिर पर चोट लगने से हुई है। परिवार ने साजिश के तहत हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार ट्रेन के ड्राइवर ने घटना के बाद ट्रेन खड़ी की थी और आसपास के लोगों को बताया था कि युवक को ट्रेन से टक्कर लगी है। मृतक के पास शराब की बोतल मिली है। महुआ भी नहीं रहन था कि देखन तो पसीने रहे बेटो हमार तहां रोने लगे। रात को कोई जानकारी नहीं दी आपको? क्यों नहीं जानकारी दी था ना। कितना जहां पे घटना घटी है यहां से कितना दूर है घर आपका? हमारे ये घर का आगे है। आधा किलोमीटर होगा? आधा किलोमीटर के आसपास घर है। हां खुद गई जब महुआरी जात रहे थी देखी। कौन है ये आपकी पत्नी? अपना पत्नी है। ये जाके कूदत रोवत धावत घरे गई और फिर लौटा नहीं। लड़का बच्चा ही देखा था। सुबह कितने बजे पता चला? सवेरे उस दिन नाव रहे ललामी देत रहे महुआरी जात रहे तो देखी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।